नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जी आर एस जी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम आपको एक बेहतरीन नुस्खा बताने वाले हैं जो कि आपके चेहरे की सुंदरता को बढ़ाएगा। दोस्तों, आपकी चेहरे की सुंदरता के साथ साथ आपके चेहरे में निखार और गोरापन भी लाएगा। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा जी आर एफ जी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें, और जहां तक हो सके तो आप हमारे चैनल को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हमारी बताई हुई जो भी चीजें हैं अगर आप दूर दूर तक पहुंचाएंगे तो लोग ज्यादा से ज्यादा इसका फायदा उठा सकेंगे। आज हम आपको एक बेहतरीन नुस्खा, एक बेहतरीन तरीका बता रहे हैं जिससे आपका चेहरे में निखार आ जाएगा और कुछ ही दिनों में लगाते लगाते रहने से आपका सांवला चेहरा भी गोरा दिखने लगेगा। दोस्तों, इसके लिए हमें आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए आपको करना जो है वो अभी मैं आपको बता दे रहा हूं। इसके लिए आपको करना यह है कि आप जो है दूधिया भुट्टा मकाई का एक भुट्टा ताजा ले लीजिए, जिसमें जिस भुट्टे के दाने में दूध भरा हो। सूखा हुआ भुट्टा नहीं चाहिए, दूधिया भुट्टा चाहिए। जब आप दूधिया भुट्टे को ले लेंगे तो उसके एक एक दाने को निकाल लीजिए और पत्थर पर उसको बेहतरीन महीन पीस लीजिए। जब इसका पेस्ट बन जाए तो उसके बाद इसमें आपको असली हल्दी, घरेलू हल्दी, आप बाजार से साबुत हल्दी लाएं और उसको महीन पीस करके आधा चम्मच हल्दी उसमें डाल दें और फिर अच्छी तरीके से दोनों को मिक्स कर दें और उसमें दूध, दूध जो है घर का ही होना चाहिए, मिलावट ना हो तो बेहतर है। अब आपने उसमें दूध आवश्यकता अनुसार उसका पेस्ट बना लें। पेस्ट बनाने के बाद आप इसको कम से कम 15 से 20 मिनट रखा रहने दें। 15 से 20 मिनट रखने के बाद आप उसके बाद अपने चेहरे को बिना चेहरे को धोए हुए सूखे चेहरे पर इसको मालिश करनी है। अच्छी तरीके से इसका पेस्ट चेहरे पर लगा लीजिए और जब ये पेस्ट भली भांति अच्छी तरीके से सूख जावे तो आप इसको स्वच्छ ताजे जल से, ताजे पानी से अपने चेहरे को साफ कर लीजिए। मुझे उम्मीद है कि अभी तक जिन जिन लोगों ने यह नुस्खा अपनाया है उनको 2 से 3 दिन के अंदर इसमें लाभ दिखने लगा है। तो दोस्तों, आप हमारे इस नुस्खे को आजमाइए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए कि ये नुस्खा कारगर साबित होता है आपके ऊपर या नहीं होता। तो दोस्तों, ये था आज का नुस्खा। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।